नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के वीडियो हम बात करने वाला हूं, आप देख पाएंगे ये है क्या, तंबाकू। क्या तंबाकू खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है? क्या है इसकी सच्चाई? काफ़ी लोग खाते हैं, काफ़ी लोग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, तमाम प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी सच्चाई अगर जो जान जाएगा वो नहीं खाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, अगर हम बात करते हैं इस तंबाकू का, तो तंबाकू है क्या? इसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो इसकी सच्चाई है। ये तंबाकू चूने के साथ घिस के, देखिए घिस के बनाया जाता है। फिर जो लोग इसको खाते हैं, तो तंबाकू खाने से कई दिक्कत देखने को मिल सकती है। जैसे जो इंसान तंबाकू खाता है, ये हकीकत है कि वो इंसान जल्दी बूढ़ा होगा। उससे इंसान की जो है क्षमता धीरे धीरे घटने लगेगी। कारण क्या है? तंबाकू में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, अगर आप खाते हैं तंबाकू, तो आपकी जो चेहरे की रौनक है वो डाउन होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे अगर एक हम कपड़े को सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में, तो उसका कलर उड़ जाता है। इसके लिए देखा जाता है कि जो भी कपड़े सुखाते हैं लोग, जो जानकार हैं, कपड़े को उल्टा कर देते हैं, उसके बाद सुखवाते हैं, तो उसका कलर उल्टा का छूटता है, सीधे वाले का बचा रहता है। तो तंबाकू खाने से आपको कई तरह की दिक्कत होगी। जैसे आपको देखने को मिलता होगा कि सुबह उठने पर पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है इसको खाने से, तंबाकू और गुटखा। तो लोग क्या करते हैं, गुटखा जब खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, हाथ पूरे शरीर में दर्द है, तो उनके मन में ऐसा होगा, हो सकता है ऊपरी बवाल हो। ऊपरी मतलब भूत प्रेत। वो भागेंगे भूत प्रेत, दुनियादारी इधर उधर, कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है। तो उन्हें नहीं पता हो पाता कि ये क्यों दर्द कर रहा है। ये दर्द करने का कारण, अगर आपके हाथ पैर घुटने में सुबह में दर्द हो रहा है, शाम को दर्द हो रहा है, या पूरा दिन दर्द हो रहा है, तो यही है मेन कारण, और जो गुटखा खा रहे वो कारण है। जो भी इंसान गुटखा सुरती खा रहा है, उसकी आयु भी घट जाती है। आयु अगर ज़्यादा है उसकी, तो वो भी घटने लगी। कारण, इसको खाने वाला इंसान की बॉडी कभी नहीं बन सकती। जो इसे खा रहे हैं उनकी बॉडी कभी बनेगी नहीं। अगर बॉडी बनी भी है, तो ये बॉडी को धीरे धीरे उसका कम करेगा, उसके सहन शक्ति, ताकत, क्षमता धीरे धीरे डाउन करेगा। फिर वो इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। कितनी भी अच्छी बॉडी होगी, ये धीरे धीरे आपको कमज़ोर करता चला जाएगा। और आप कितने भी अच्छा खुराक लेते होंगे, लेकिन वो खुराक आपके शरीर में उस तरह से नहीं लगेगा जिस तरह से लगना चाहिए। ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे से अच्छे खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर बन नहीं रही है। वो क्या है? यही कारण है, तंबाकू गुटखा बहुत घातक चीज़ है। कुछ लोग तंबाकू खाने में कई तरह के मिलेंगे। कुछ लोग दिन भर में कम से कम 20 बार खाते होंगे, दिन भर में 20 बार। जो दिन में 20 बार खाते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, उनके स्वास्थ्य कोई काम का नहीं रहेगा, वो जीवन कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा उनके शरीर में बेचैनी रहेगी। गुटखा सुरती खा रहे हो, जैसे आप दिन भर में जो इंसान 20 बार खा रहा है तंबाकू गुटखा, उसका शरीर बिल्कुल दर्द से ऐसा रहेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, पूरे शरीर बदन में दर्द होगा, सुबह उठने की इच्छा नहीं कहेगी, पूरा दिन उसका शरीर ऐसे रहेगा, मतवान जैसे रहेगा, और दिमाग में चिड़चिड़ापन रहेगा, कुछ उसे समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। वो इंसान कब क्या उसे गुस्सा लग जाए, क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें जो है तंबाकू नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दूसरे जो कैटेगरी आते हैं, वो दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार खाते हैं, वो भी नुकसान करता है। 1-3 बार खाओगे, 4 बार खाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह शाम खाते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो ये सीधा यही है कि खाने से नुकसान तो करेगा ही। तो सीधा साधारण से इसको मत खाइए, बंद कर दीजिए। अगर आपसे ये नहीं छूट रहा है, तो छोड़ने के लिए हमने वीडियो भी बनाए हैं, उसे आप देख सकते हैं।
वो वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट में लगा दूंगा, उससे आप छोड़। और जो कम खा रहा है उनको भी नुकसान करेगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं करेगा जितना जो ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसको खाने वाले को जो भी शारीरिक क्षमता डाउन होगी, धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, कितनी भी आपके अंदर सहन शक्ति ताकत होगी। और गुटखा जैसे ज़्यादा खा रहे हो, तम्बाकू ज़्यादा खा रहे हो ना, उससे आपको देखने को मिलेगा धूप अगर है, घबराहट होगा कभी कभी, गर्मी के कारण घबराहट देखने को मिल सकता है, बेचैनी सी रहती होगी शरीर में, कभी कभी पसीना भी ज़्यादा छूटने लगता है तम्बाकू गुटखा से, कभी कभी ये सब देखने को मिलेगा। कुछ लोग के आँख से आंसू आने लगते हैं, आँख से पानी आने लगते हैं, सुबह उठने पर आँख से पानी, रात में सोते समय आँख से पानी ढाका गिरने लगता है, ये बहुत बड़ी कमजोरी बताता है। तो ये गुटखा सुरती खाने वाले को ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी गुटखा सुरती खा रहे हैं तो इस गुटखा सुरती को कतई ना खाएं, क्योंकि आपके शरीर को नुकसान करेगा, घातक है, बहुत ही ख़राब है, इसे छोड़ देना ही ठीक है। बाकी आप अगर ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं छूट रहा है, तो आप जो इसे कम कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। छोड़ना है, छूट रहा है तो छोड़ दीजिए। और एक बात कहूँ, जो सीख रहे हैं, अतरे बाए दूसरे तीसरे खा रहे हैं, उनसे निवेदन यही है कि इसे मत खाइए, अन्यथा आपकी आदत बन जाएगी तो छोड़ने में महाभारत हो जाएगा, जल्दी छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि ये तंबाकू में ऐसा कुछ रहता है, तंबाकू गुटखा में, अगर आप खा लिए, आपके शरीर में एक बार गया, आदत बन गई है, महीना दो महीना खा लिए, फिर आप इसे चाहोगे छोड़ दें, फिर नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि समय आने पे जो इसकी असर आपके बॉडी से कम होगा, तो देखने को मिलेगा कि आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा तलब लगेगा, फिर आप कहीं कहीं से खाएंगे। अगर ऐसी इच्छा जागती है कुछ देर तक या कुछ दिन तक कह सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप छोड़ नहीं खाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी जाता है। लेकिन इसके लिए योगा बहुत बढ़िया है, योगा करिएगा बहुत बढ़िया छूटेगा। और हमने तरीका भी, देसी तरीका बताए हैं, अगर उससे आप छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़ा सकते हैं, छुड़ जाएगा। लेकिन ये तंबाकू खाने वाले के शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। हमने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, तो कहाँ जाएंगे ओझा दिखाने कि हमारा पैर दर्द कर रहा है, शरीर पूरी दर्द कर रही है, हम क्या करें क्या न करें। घातक है, नुकसानदायक है, ऐसी नशा को गुटखा सुरती और भी जो भी नशा है मत करिए। नहीं खा रहे हैं सुरक्षित है, अगर खा रहे हो तो लास्ट में वीडियो देख लीजिए, उसी तरह से आप लोग भी छोड़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।